BTS के मेंबर वी आज BTS का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और हम सोच भी नहीं सकते कि अगर वी BTS में नहीं होते तो फिर ग्रुप कैसा होता। और हम सभी जानते हैं कि वी की BTS में आने की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि वी अपना इंटरव्यू और अपना ऑडिशन देने कभी ब्रिगेड के पास आए ही नहीं थे। वो अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने आए थे जब उनको सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन आर्मीज के आपको ये पता है कि BTS के मेंबर वी ने अपनी बायोग्राफी में एक बार इस बात का जिक्र किया था कि BTS में आने की वजह कोई और ही था और एक ऐसा इंसान वी की लाइफ में था जिन्होंने वी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया और वी को बहुत ज़्यादा पुश किया, जिसकी वजह से ही BTS के मेंबर वी BTS में डेब्यू कर पाए। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे आर्मीज को ये स्टोरी नहीं पता होगी, लेकिन उसे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ दूसरे चैनल पे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां पर मैं पर्सनली आप सभी के साथ BTS के फनीस्ट वीडियोस को देखती हूं और आपके साथ इंटरेक्ट करती हूं। उसका नाम एडुफेक्स रिएक्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि BTS के मेंबर वी की लाइफ में एक ऐसा खास इंसान था जिसने वी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वी ने खुद ये बात बोली थी कि वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि उस इंसान की वजह से ही वो BTS में आ पाए। तो दोस्तों एक्चुअली वी की बायोग्राफी में जब एक बार वो अपने पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहे थे, अपने बचपन की फ़ोटोज़ दिखा रहे थे और कई चीज़ें बता रहे थे, तब उन्होंने बताया कि BTS में आ जाने के बाद, यानी ट्रेनिंग में आ जाने के बाद वी की लाइफ काफ़ी टफ हो गई थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना चाहते थे लेकिन उनको उस समय ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, तब वी ने डेब्यू भी नहीं किया था और वो BTS के साथ फाइनल भी नहीं हुए थे। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पर कंपनी में से एक इंसान था जो वी को बहुत प्रमोट करता था। उन्होंने बताया कि वो इंसान वी के पास आते थे और उनसे बोलते थे कि तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए और प्रैक्टिस रूम में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वी नहीं आना चाहते थे तो वी को ज़बरदस्ती जाना पड़ता था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। यही नहीं बल्कि वी ने बताया कि उसकी वजह से ही वी प्रैक्टिस में जाते थे और फिर वो ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते थे और फिर वो इंसान वी को बार बार पुश करता था कि उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना वो BTS में कभी भी डेब्यू नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वी को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से ही वो BTS को ज्वाइन कर पाए, अदरवाइज वी शायद BTS का हिस्सा नहीं होते। वी ने ये भी बताया कि उस इंसान ने वी को बहुत सपोर्ट किया और बाद में वी को पता चला था कि उन्होंने BTS के मेंबर वी का नाम सजेस्ट किया था जब ये बात चल रही थी कि BTS के ग्रुप में किस किस लड़के को डेब्यू करवाना चाहिए। तो वी ने बताया कि उस टाइम पर ये प्लान था कि BTS नाम के एक ग्रुप को डेब्यू करवाना है और उसी समय वी को पता चला कि एक्चुअल में डेब्यू करना क्या होता है, लेकिन वी उस समय फाइनल नहीं थे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि वी सीक्रेट मेंबर थे, उनको बहुत टाइम तक रिवील नहीं किया गया था। तो वी ने बताया कि उन्होंने उस इंसान ने ही वी का नाम वहाँ पर रिकमेंड किया था, लेकिन वी ने ये रिवील नहीं किया कि वो खास इंसान कौन था, बस हमें यही पता है कि उनके कंपनी में से कोई था जिसने वी को प्रमोट किया और सपोर्ट किया। तो आर्मीज मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको इस स्टोरी के बारे में पता था। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।